हथियार बजाने चाहिए हर एक उसके, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ से आए आप? दीदी मुझे आजमगढ़ से, हम इसको देखते हैं, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। कहाँ से आए आप? आप लोग पत्र मुझे दे दीजिए, आप अपना घर वापस जाइए, ठीक है ना, और हम लोग इस पे कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है। भीख नहीं मांगने की आवश्यकता है, अपने घर जाइए। जांच करवाएंगे, जांच रिपोर्ट एक बार मंगवाएंगे और न्याय संगत कार्रवाई होगी, कोई अन्याय नहीं करेगा, ठीक है। साथ में ही हो बात में बोलो क्या बात। जिला प्रशासन को लिखो इनके लिए तत्काल व्यवस्था। आप लोग वहाँ जाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ जाइए, गाँव जाइए, प्रशासन कार्रवाई करेगा, ठीक है। आराम से करो, घबराओ मत, सबको हो गया। क्या है, क्यों, कहाँ घर है आपका? लखनऊ में। इनका इनका एड्रेस कहाँ, कोई पता लिखा है इसमें? पता नहीं लिखा है कोई, पूरा आप पता देना चाहिए ना। हम इसको चेक करवाएंगे, घबराए मत, हम इसको देंगे, चेक करो। कहाँ घर है आपका? है कानपुर, हम इसको दिखा लेते हैं, ठीक है ना। आप घबरा मत, जो भी दोषी होगा हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। तो आराम से अपने गांव जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हम इसको जांच करवा देते हैं, ठीक है। देख इतना मोटा आपने दिया है, ये सब एक ही है ना, इसको आप रख लीजिए ना, इसको एक मुझे दीजिए ना, मैं इस पर कार्रवाई करवा दूँ, ठीक है ना। उसको कार्रवाई कराने के लिए तत्काल कार्रवाई कराओ, बताओ जी क्या बात है। हम इसको चेक करवा देते हैं, इसको चेक करवाने के लिए कार्रवाई करो। ये कानपुर नगर पड़ता है जिला, हाँ। थाना शिवराजपुर, हाँ। अभी कार्रवाई कराता हूँ, कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा, सामान भर दिया, और इतना बड़ा गुंडा है कि कोई उसके सामने कहने के लिए तैयार नहीं है। थाना एरोला जिला मुजफ्फरपुर, हम इसमें कार्रवाई करेंगे, मैं सिबत कर। अजय कुमार सिंह और जी से बलिया गए, ये देखिए मजदूरी करते हम लोगों को नहीं किया, 7 साल से विभाग का चक्कर काट रहे हैं सर। और हम लोग का शिक्षा मित्र में चयन हुआ, हमारे साथ के नियुक्त कहीं 11 सूची में से एक को पैसा लेकर उसका कर दिया गया, और हम लोगों को प्रताड़ित किया। कुछ कागज दीजिए ना, दीजिए सर, आपके पास कागज है ना इसका? हर मौका दाद मेरे को सच्चाई से हम करवाएंगे। देखो हम लोग उसमें सिफारिश नहीं करते, लोकल MP से आप सिफारिश करते हो, लोकल जो सांसद होगा उससे सिफारिश करवाइए, ठीक है ना। मोटा हम इसको जांच करवा देंगे, बोलिए। बोलो रे क्या बात है, तो चाय चू पिया इन लोगों ने, बच्चों को चाय को खिलाया, किसके साथ आए हो? हमारे साथ है, साथ है? क्या है बताइए? हम सुन रहे हैं, नए आदमी साहब। बोलो क्या करना है? हमारा कुछ मदद आपकी सहायता करवाएंगे, हम नए आदमी, घबरा मत कराए, हमें खाए ठकाना, घबरा मत, सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। घर मकान भी नहीं, मकान में नहीं, घबरा मत, ठीक है ना, जलाएंगे ये बच्चे को लेके आए हम। हां ठीक है, आप से कल मिला था मैं,
भारत सरकार के साथ लोग काम करते क्योंकि आप क्या इसमें करना है आपसे शाहजहांपुर पड़ता है ना ये तत्काल कार्रवाई कर बोलिए सर बोलो क्या बात है सर ये इसमें तो मिल तो क्या है तीन साल से बैठे हुए हैं पिछली सरकार ने कई मुकदमे में सर लिखे हैं भाई सर पुराने लोग भर्ती की जाए कहाँ और सब ठीक ठाक बोलिए क्या करना है आप परेशानी है कि जात बात परिवार बात क्षेत्र बात पूंजी बात सिर्फ किसान मजदूर गरीब के पक्ष में आपको बहारे आती रहेगी तो हम फूल खिलते करेंगे बोलो क्या बात वही जिलाधिकारी को लिखो क्यों नहीं अब तक हम देखेंगे इसको ठीक है ना चेक कर बोले क्या करो तो चलिए बहुत सुंदर बधाई आप लोगों को धन्यवाद और फिर हम लोग सारे ठीक है ना मैं बात कर लूँ चलो क्या करना आपको हम इसको चेक करो ठीक है पूरा इतना पूरा हर एक एप्लीकेशन दिखा इसको चेक करें दो दे दिया आपको नहीं बोलो क्या भाई फिर इनके मामले में क्या हुआ चलो बात कर रहे हैं बोले तो कल हम लोग बुलाए तो थे उनको कह कर हमारा जी एक सिक्योरिटी वाले जो बैठा दिए वहाँ पे मैं इसको चेक करवा लेता हूँ आईपीओ में लगता है ये संविधान में सुल्तान मैं आपने दे दिया ना कार्रवाई करेंगे इच्छुक लगा था कमर लगा क्या राम समझ सकते हैं राम कमर लगा क्या करना है इसमें क्या है बताइए क्या बात है कार्रवाई होगी और पुलिस स्वयं आपसे मिलने के लिए आएगी ठीक है और नहीं होगा कोई दिक्कत तो फिर हमें फिर बता देगा कल पाएगा जबरदस्ती ठीक है मैंने कुछ कहा ना कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा ठीक है हम कार्रवाई कराएंगे ठीक आप पुलिस आप साहब हमारी शादी में नहीं हुई है पाँच डिस्टिंग हम इसको चेक करें आप बोलो बोलिए यार दरखास्त बनवा के लाओगे कि ऐसे चलो रे एप्लीकेशन बनाए दे दिया है हम इसकी जांच करवा करके कार्रवाई आपने एप्लीकेशन दे दिया ना हमने कह दिया ना कार्रवाई आपने दे दिया हम इस पर जाँच करवा हमने जांच करवाने के लिए लिखेंगे कार्रवाई बोले क्या बात है इस पे तत्काल कार्रवाई करने के लिए ये सब सूची तैयार करो और समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होगी बताओ लखनऊ पुलिस को लिखो तत्काल घबराओं में कार्रवाई होगी लेकिन आप लोग आप घबराओं में हम कार्रवाई करेंगे आप बताएं देखिए हिम्मत से काम लीजिए हम लोग इसमें कार्रवाई करवाएंगे ठीक है ऐसा कुछ नहीं होना है हम फतेहपुर में तो ये लोग हमारे नगर पालिका की जमीन में जब रामनाथ जी हुए थे उसमें आदेश हुआ था कि लोग को दिया जाए इसमें कागज लगा
अब जो मुख्यमंत्री जी लोग को खाली किया जाए, आज 11 बजे सबसे 11-12 बजे वो कर दीजिए ना, आपका सामान भरवा ले जाएंगे। कहाँ घर कहाँ है आप लोग? जिला ससुराल कहाँ थे? ऐसे ही सब ये लोग